नहीं जवाब भी दे दिया है कि लोग तैयार नहीं थे सुनने के लिए। उसके बावजूद लोगों को बंद किया गया, उनको कहा गया कि नहीं आपको जी बैठना है क्योंकि हमें दिखाना है, मीडिया को दिखाना है, और शायद दिल्ली में कुछ जो इनके बैठे हैं मास्टर्स उन्हें भी दिखाना है कि कितने लोग आए हैं। तो सुनने में आया कि 7,000 लोग थे, हालांकि इन्होंने कहा था 50,000 लोग होंगे। हर जगह से इकट्ठा कर कर के लाया। चलिए खैर, अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उस दिन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए। नंबर वन, ये दुकानें बंद, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से। मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है, जब यही बात हम लोग कहते हैं कि भाई हम कहीं प्रोग्राम करेंगे तब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इशू, कोई ना कोई बहाना लेकर के आ जाते हैं कि भाई ये मसला है, वो मसला है, पहले कोविड था, अब ये है, वो है। जब लेकिन जब इन लोगों को करने होते हैं, जो दिल्ली के जो टीम्स हैं, टीम्स ए टीम बी, इनको कोई रोकथाम नहीं होती है। ट्रैफिक का भी उस दिन बड़ा बुरा हाल था, दुकानें बंद थीं। अच्छा, एक वीडियो जो था जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसमें लोग अपनी जो कहानी अपनी ज़ुबानी बयान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें ये कहा गया था कि उन्हें खाना और चाय मिलेगा, फूड एंड टी मिलेगा, और उन्हें मिला नहीं। काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी समय हो गया, उन्हें भूख भी लगी, ग्राउंड में बैठे बैठे तो वो बाहर निकलना चाह रहे थे, अपना नाश्ता पानी करना चाह रहे थे, और आप देखिए यहाँ तक गिर गए ये लोग। इन्होंने उन लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दिया, ये आगे उन्हें घेरा करने लग गए और उनको ग्राउंड्स में बंद करने लग गए ज़बरदस्ती। जो हम बोलेंगे आप सुनिए, अरे इन्होंने क्या सुनना है, इनको पता है आप टीम ए हैं टीम बी हैं, तो इसमें क्या सुनने वाली बात है। खैर, दूसरी जो बात ये है कि जब आपने कहा कि वहाँ पर झंडे लगाए गए बिना परमिशन के, तो ये वीडियो मैंने, ये एक और वीडियो थी सोशल मीडिया पे, वो भी काफ़ी वायरल थी, जहाँ पे एक जन यही कह रहा था कि भाई कोई मुझे दिखा दे वो परमिशन का पर्चा जहाँ पर ये लिखा गया हो कि आप पूरे घंटा घर को इर्द गिर्द पूरे गोल को आप बंद कर दे अपने झंडों से। कल अगर मैं यही काम करना चाहूँ क्या इजाज़त मिलेगी? अगर कोई भी आम कश्मीरी यही काम करना चाहे क्या इजाज़त मिलेगी? सिटीजन्स तो हम सब बराबर के हैं, जितना इस पार्टी के सिटीजन्स इम्पॉर्टेंट है उतना ही बाकी लोगों के भी हुकूक हैं, तो ये हुकूक बराबर होने चाहिए। क्या ये इजाज़त हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ पर वो एक CRPF वाले से भी पूछ रहे थे कि भाई क्यों लगे हैं ये, क्या आपने परमिशन देखा इन झंडों का? वो कह रहा था नहीं मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता कौन लगा के गया, कब रात को आए थे वो लोग और उन्होंने लगाए। तो ये एक जो एक तरह से ये गुंडागर्दी का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुझे ये जो जेलों में है इसमें मैक्सिमम लोग जो हमारे कश्मीरी भाई हैं तब उठाए गए थे जब 5 अगस्त का वो सिलसिला चला था, हमारे हुकूक जो हैं वो छीने गए थे। ये तंजीम जो है ये उन्होंने उन्हीं के साथ मिलके बनाई है जिन्होंने हमारा ये हाल किया हुआ है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों का। कौन सी तंजीम? ये जो क्या पार्टी बोलते हैं इसको, अपनी पार्टी, ये इन्होंने उन्हीं लोगों के साथ दिल्ली में ही जाके बनाई। वो फ़ोटो अभी तक आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगी, उन्हीं के साथ खड़े हैं वहाँ। वो फ़ोटो इंटरनेट पे है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। अभी बाकी सारे लोग जेलों में ही थे, बाकी सारी मेन स्ट्रीम जेल में ही थी जब ये दिल्ली पहुँच गए चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब देखते हुए, और कहा कि भाई अब तो हमें फटाफट तंजीम बनानी है। ये क्या करना चाह रहे थे? ये करना चाह रहे थे कि आप जी बाकी सबको रहने दीजिए जेलों में ही। इन्होंने खुद कहा मैं बख्शी साहब की तरह बनना चाहता हूँ, उन्हें खुद कहा। वो अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं आपके पास, आई एम श्योर। यही इंसान आज बात करते हैं कि भाई मैं जेलों में जाएंगे, टीम बनाएंगे, वकील लाएंगे, पता नहीं क्या क्या हवाई ये बातें करते हैं। क्या ये वही लोग नहीं है, ये पार्टी सारी तमाम पार्टी? पहले तो ये लोग एक तंजीम से भाग गए सारे, क्योंकि वो जेल में थी इनकी जो प्रेसिडेंट थी, बाकी तमाम पॉलिटिशियंस जेलों में थे,
यहाँ के जो बच्चे उठाए गए थे वो किन्होंने लिए, 5 अगस्त के डिसीजंस किसने लिए, किस तंजीम ने लिए, किस हुकूमत ने लिए, उसी हुकूमत के साथ उन्हीं के सपोर्ट से इन्होंने अपनी तंजीम बनाई, उन्हीं के इशारों पर ये यहाँ पे अपना काम चलाते हैं और हमें यहाँ हवाई कहानियाँ सुनाते हैं। अब जी हम टीम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।